हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपकी डिमांड पे है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आपने हाईवे का माइलेज बता दिया, आपका हाईवे माइलेज क्या देती है, सिटी में क्या माइलेज दे रही है आपकी गाड़ी, ये बताओ यार। सिटी में बड़ा डाउट है लोगों को, नई गाड़ी खरीदने वालों को भी डाउट है कि नेक्सॉन सिटी में क्या माइलेज देती है। तो भाई सिटी का देखो, पहले बोल देता हूँ, सिटी का डिपेंड करता है आपकी सिटी में कितना ट्रैफिक है, कितने रोड लाइट्स हैं और कितने आप फॉलो करते हो रोड लाइट्स को। क्योंकि रोड लाइट्स पे ऑब्वियसली आप गाड़ी खड़ी रखोगे, बंद तो करोगे नहीं वहाँ पे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो बंद नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी क्या माइलेज देगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बंद कर दोगे तो आपको भैया आपका पेट्रोल बच जाएगा, और अगर आप चालू रखोगे तो माइलेज ऑब्वियसली है ड्रॉप होगा। अब कई टाइम से मेरी गाड़ी क्या इसी में चल रही है, सिटी में चल रही है, और प्लस मैंने एग्जॉस्ट भी लगा रखा है देखो, तो गाड़ी में ये भी नहीं कह सकता कि बहुत प्यार से चलाता हूँ, बट मैं पूरे टाइम नहीं भगाता। बट ये मान लो आप 50% टाइम भगा ली, 50-60% टाइम मैं भगाता हूँ गाड़ी, उस बाकी 40-50% जो है मैं प्यार से चलाता हूँ गाड़ी। तो माइलेज क्या है वो दिखा देता हूँ आपको भी, MID के अंदर क्या शो कर रहा है। इससे पहले एक चीज़ और बोल देता हूँ, मैं अभी बोलता हूँ वरना मैं भूल जाऊँगा क्या पता, कि मैंने हाईवे के माइलेज अभी भी निकाले थे, उन सभी माइलेजेस के अंदर ये दिक्कत थी कि माइलेज का MID के अंदर और रियल लाइफ माइलेज के अंदर डिफरेंस था, और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। कभी एक बार तो था 5 या 6 का डिफरेंस था, और एक बार 2 का डिफरेंस था जब बहुत लंबी ड्राइव पे गया था मैं तब। तो ये है कि MID से बिल्कुल भी एग्जैक्टली मैच नहीं करता है, हमेशा कम ही आता है, कभी 2 तो कभी 5 या कभी 6। अभी आप देख लो, ये मैंने अभी पेट्रोल डलवाया है 15 लीटर, तो मेरी रेंज 118 ही दिखा रही है, 118 नहीं 122-123 को दिखा रही थी। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये रहा, तो अभी 901 और था ट्रिप मीटर, वो मैंने रीसेट कर दिया, बट अभी क्या है ट्रिप ए है 942 पे और माइलेज आपको दिख रहा है 8.6। अभी रियल लाइफ में कितना दे रही है ना, तो रियल लाइफ में माइलेज क्या दे रही है कुछ आता पता नहीं। MID का बता रहा हूँ सिर्फ मैं आपको, MID इतना कम दे रही है। वैसे मेरी MID आपको बता देता हूँ, MID में जब भी शो करता है ज़्यादा, मतलब जैसे मैंने मानो 15 लीटर अभी डलवाया तो 150 शो करता है अभी, तो नहीं इस बार तो क्यों इतने कम शो कर रहा है, 120 के नियर शो कर रहा है, वो किस हिसाब से कर रहा है कुछ आइडिया नहीं मुझे। वो अगर 150 दिखा रहा है तो मेरी जो गाड़ी जब चलाऊंगा मैं, 2 किलोमीटर रेंज कम होती है 4-5 किलोमीटर वाली, तो माइलेज बहुत ही कम देती है। नेक्सॉन की एक चीज़ बता देता हूँ, MID के अंदर 8 से कम का माइलेज शो नहीं करता है, मतलब 8 मिनिमम है इसके अंदर, जो कि बहुत गलत चीज़ की डाटा ने। तो रियल लाइफ का माइलेज आप चेक कर ही नहीं सकते, पहली बात तो एक्यूरेट भी नहीं है, दूसरी बात 8 से नीचे का माइलेज भी शो नहीं करती है। तो रियल लाइफ में अगर 8 से नीचे दे रही तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। तो ये था सिटी का माइलेज। देखो दोस्तों, एक फोटो और है जो मैं रीसेट करती थी, वो फोटो मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा, जो कि थंबनेल में भी 100% होने वाली है। 1300 कुछ किलोमीटर थे उसके अंदर भी माइलेज जो मेरा वो 8 समथिंग कुछ ही है, और 1300 किलोमीटर के अंदर मेरी एक हाईवे ड्राइव भी है, और शायद 900 में भी शायद थोड़ी बहुत इंक्लूड होगी वो ड्राइव, जो कि मैं हरियाणा से आया था लास्ट टाइम। तो आप देख लो वो हाईवे पे तो आप माइलेज अच्छा निकाला था, इसलिए हाईवे के बाद में प्लस सिटी, मतलब मेरा सिटी के अंदर 8 से ऊपर MID के हिसाब से, तो MID में तो लोवेस्ट जाता है मेरा माइलेज। तो अब देख लो ये माइलेज है भाई नेक्सॉन का सिटी के हिसाब से, बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग इको में चलाते हैं, मैं सिटी मोड में चलाता हूँ मोस्टली, कभी कभी स्पोर्ट्स मोड डालता हूँ, मतलब वही 30% टाइम स्पोर्ट्स मोड, 30-20% टाइम स्पोर्ट्स, बाकी टाइम सिटी मोड ही चलता है मेरा। इको मोड मुश्किल से 1% कभी किसी ने डाल दिया, वो वाली बात है। दोस्तों ये था वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।